गुड मॉर्निंग सर। सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो देखो आज हम किसका फॉर्मेशन पढ़ते हैं, आज हम रेनबो का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। किसका फॉर्मेशन पढ़ते हैं, रेनबो का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो रेनबो फॉर्मेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में याद होना चाहिए। किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में याद होना चाहिए। और प्रिज्म से जो कलर का सीरियल था वो जरूर याद होना चाहिए। तो कलर का सीरियल क्या था, विभिन्न क्या था, विभिन्न। सबसे ऊपर कौन सा था, रेड था, और सबसे नीचे कौन सा था, वर्ल्ड। ठीक है, प्रिज्म एक सीरियल बनता है विभिन्न का। उस सीरियल को क्या कहा जाता है, उस सीरियल को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। उस सीरियल को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो प्रिज्म के जरिए ही आज हम रेनबो फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो उसके अंदर होते हैं एक तो डस्ट पार्टिकल्स। उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स होती है और स्मोक्स वगैरह होते हैं। ठीक है ना, तो एटमॉस्फेयर में ये पार्टिकल्स होते हैं। अब यही जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वही बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, प्रिज्म की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो समझते हैं रेनबो फॉर्मेशन को, समझते हैं। तो रेनबो फॉर्मेशन में एक थिंग आपको याद रखनी है कि ऑलवेज ऑलवेज अपोजिट, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। हमेशा सूर्य के सामने जो विपरीत दिशा होती है उसमें रेनबो का फॉर्मेशन होता है। कि जैसे अगर सूर्य यहाँ पर है, जैसे अगर सूर्य यहाँ पर है तो रेनबो आपको यहाँ मिलेगा, रेनबो आपको यहाँ मिलेगा। हमेशा क्या बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन। देखो ध्यान से उसमें क्या होता है। तो रेनबो में भी वही कलर सिक्वेंस जो होता है, रेनबो में भी कलर सिक्वेंस वही होगा हमारा विभिन्न वाला। और जो कलर सिक्वेंस हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो रेनबो फॉर्मेशन में हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो एक प्रिज्म की तरह, वाटर ड्रॉपलेट्स और सनलाइट, वाटर ड्रॉपलेट्स और सनलाइट, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है और क्या बनता है हमारा रेनबो। देखो क्या, तो मान लेते हैं ये है हमारी वाटर ड्रॉपलेट, ये क्या है हमारी वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, इसके ऊपर अब क्या पड़ी, ये सनलाइट। इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर, वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर क्या पड़ी, सनलाइट पड़ी। ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये सनलाइट। तो फर्स्ट थिंग क्या होगी, फर्स्ट जो प्रोसेस होगा ये डिफ्रैक्ट होगी, ये अपनी दिशा से भटक जाएगी, ये अपनी दिशा से क्या हो गई, भटक गई। तो फर्स्ट जो हुआ वो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। फर्स्ट जो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। फिर होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकेंड नंबर पे क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद फिर होगा रिफ्रैक्शन, और यहां पर होगा ऑब्जर्वर। यहां पर क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, ये उसकी आंख। ठीक है, थर्ड थिंग क्या हुई, फिर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो रेनबो फॉर्मेशन के अंदर, रेनबो फॉर्मेशन के अंदर ये बताया जाता है जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स, एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वही सनलाइट के साथ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस होता है वो होता है। उसके बाद क्या नजर आता है, रेनबो। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था, ये हमने जो बनाया, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है। वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर सनलाइट है। ठीक है, तो इंसिडेंट भाई, ये इंसिडेंट वाटर, इंसिडेंट लाइट हो गई। तो फर्स्ट क्या हुआ, इसको ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये दिशा से भटक गई। तो कौन सी रिएक्शन हुई फर्स्ट, कौन सी, रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर जिस एंगल से गई उसी एंगल पे वापस आ गई, वो कौन सी हुई, इंटरनल रिफ्रैक्शन। सेकंड, थर्ड क्या हुआ, इसको जाना कैसे चाहिए था सीधा, लेकिन ये फिर दिशा से भटक गई, क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो रेनबो फॉर्मेशन में, रेनबो फॉर्मेशन में फाइनली टू टाइम्स, रेनबो फॉर्मेशन में फाइनली टू टाइम्स तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। टू टाइम्स से क्या होता है, रिफ्रैक्शन। और वन टाइम क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। वन टाइम क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। ये था रेनबो फॉर्मेशन। क्या था, रेनबो फॉर्मेशन। अब उसके बाद सेकंड थिंग देखते हैं। सेकंड थिंग ये, जो क्लियर स्काई होता है, जो क्लियर स्काई होता है उसका जो कलर होता है,
क्लियर स्काई जो होता है, साफ आसमान जो होता है, उसका कलर हमें कैसा नजर आता है? ब्लू नजर आता है। कैसा नजर आता है? ब्लू नजर आता है। अब ब्लू क्यों नजर आता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि एटमॉस्फेयर में ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, यही पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स आसमान का ब्लू कलर जो नजर आता है, उसका रीजन ये है कि एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के जो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को, वो पार्टिकल्स सूर्य के प्रकाश को, जब सूर्य का प्रकाश वातावरण में स्थित डस्ट पार्टिकल्स पे, स्मॉग पे, वाटर ड्रॉपलेट्स पर पड़ता है, तो ये पार्टिकल्स सनलाइट के साथ क्या करते हैं, उसको स्कैटर कर देते हैं, उसको बिखेर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं। अब जब बिखेरने की क्रिया होती है, स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है, तो उसमें एक थिंग आपको याद रखनी है, उसमें यह होता है जो शॉर्टर वेवलेंथ, जो शॉर्टर वेवलेंथ का ब्लू कलर होता है, जो शॉर्टर वेवलेंथ का ब्लू कलर, अब शॉर्टर वेवलेंथ किसके कंपैरिजन में, रेड के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, रेड के कंपैरिजन में, ये जो ब्लू कलर है, रेड के कंपैरिजन में ये जो ब्लू कलर है, शॉर्टर वेवलेंथ का जो ब्लू कलर होता है, उसको मैक्सिमम, उसको मैक्सिमम स्कैटर कर दिया जाता है, उसको मैक्सिमम बिखेरा जाता है, उसको मैक्सिमम फैलाया जाता है, इसीलिए आसमान का कलर कैसा नजर आता है, ब्लू। ठीक है, दोबारा से देखिए, क्लियर स्काई के कलर ब्लू क्यों नजर आता है, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स किस किस के होते हैं, डस्ट के होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्मॉग वगैरह होते हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब इनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, ये सनलाइट पड़ी, तो वो उस सनलाइट को, उस सूर्य की रोशनी को स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं, क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। अब फैलाते वक्त क्या होता है कि रेड के कंपैरिजन में ब्लू कलर दिखाया गया, रेड के कंपैरिजन में ये जो ब्लू कलर होता है, इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, 1.8 टाइम्स शॉर्टर, 1.8 टाइम्स शॉर्टर कंपेयर देन रेड। ठीक है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है 1.8 टाइम्स मोर होती है, ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, ब्लू कलर के कंपैरिजन में, और जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, वो सनलाइट के ब्लू कलर को ज्यादा फैला देते हैं, ज्यादा स्कैटर करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, फैलाते हैं, बिखेरते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो रेड की तुलना में क्या होती है, 1.8 टाइम्स कम होती है, 1.8 टाइम्स कम होती है। तो जो चीज़ें पढ़ी आज हमने, रेनबो फॉर्मेशन पढ़ा और क्लीन स्काई का जो कलर था वो ब्लू होता है, ये रीजन पढ़ा, ठीक है ना।